हमने अभी तक बात करी, एफ हमारा फीडेड फंक्शन होता है। जो फीडेड फंक्शन होता है ये मॉडल कोड होता है, एक एफ फंक्शन दूसरे एफ फंक्शन को कैंसिल कर देता है। ठीक, सपोज करो आपका कोई प्रोग्राम है, उसमें आपने पहले F150 लिख रखा है, उसके बाद जो है आप F200 कर देते हो, तो आपका जो 150 है वो 200 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एफ फंक्शन जो है मॉडल कोड है, एक एफ फंक्शन दूसरे एफ फंक्शन को कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो इतनी सी जानकारी अभी हमने ली। आगे बात करते हैं, हमारी जो फीड रेट होती है, अगर इनको मोशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो दो टाइप की फीड रेट हो जाती है, नॉन कटिंग फीड रेट, दूसरी होती है कटिंग फीड रेट। जब आपका टूल जो है नॉन कटिंग, मतलब कोई कटिंग नहीं कर रहा हो उस टाइम पे, जो भी आपकी फीड रेट होगी वो नॉन कटिंग फीड रेट होती है। वहीं जब आपकी कटिंग हो रही होगी उस कंडीशन में, जो भी आपकी फीड रेट होगी वो कटिंग फीड रेट होगी। ठीक है, नॉन कटिंग जो फीड रेट होती है वो नॉन कटिंग मोशन के साथ होती है, जिनको आपको प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जनरली जब आप G00 प्रोग्राम करते हो तो उस कंडीशन में जो है आप नॉन कटिंग मोशन में होते हो, ये जनरली आपको ऐप से प्रोग्राम करनी पड़ती है। ठीक है, आगे अगर मैं इसके और क्लासिफिकेशन की बात करूँ, तो हमारी जो फीड होती है वो दो टाइप की होती है, एक फीड रेट पर मिनट होती है, ठीक है, एक फीड रेट पर रिवॉल्यूशन होती है। अब अगर मैं इन दोनों को मोड के अकॉर्डिंग, मोड का मतलब यूनिट के बेस पे अगर मैं इनको डिफाइन करूं, तो एक हो गई मिलीमीटर पर मिनट, ठीक है, और एक हो गई इंच पर मिनट। ठीक, वहीं दूसरी होगी मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन और इंच पर रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपकी फीड रेट के टाइप होते हैं। तो जनरली क्या होता है, फीड रेट पर मिनट जो एमसी में यूज करते हो, फीड रेट पर मिनट, और वहीं फीड रेट पर रिवॉल्यूशन जो होती है आप जो है सीएनसी टर्निंग में यूज करते हो। ठीक है, तो बात करते हैं फीड रेट सिलेक्शन की। कोई भी फीड रेट जब भी प्रोग्राम की जाती है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे फीड रेट आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहले अगर मैं फीड रेट की बात करूँ, तो स्पिंडल के रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करती है। आपकी जो फीड है वो स्पिंडल के पर रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल हो रही है। जो मैंने आपको फीड बताई फीड रेट पर रिवॉल्यूशन की, वो पर रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल हो रही है, तो आपकी फीड रेट जो है स्पिंडल के रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरा डिपेंड करती है आप कौन से मटेरियल की कटिंग कर रहे हो। ठीक है, हार्ड मटेरियल तो फीड कम रहती है, सॉफ्ट मटेरियल तो फीड जो है हम ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरा, सरफेस फिनिश की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आपको हाई सरफेस फिनिश चाहिए, हाई सरफेस फिनिश की कंडीशन में आप फीड कम रखते हो, ठीक है, वहीं आपको थोड़ी रफनेस अगर आपकी चल सकती है, तो आप जो है फीड रेट ज़्यादा भी रख सकते हो। ठीक है, चौथी बात करूं तो डाया पे डिपेंड करती है। डाया का मतलब अगर मैं बीएमसी की बात करूं, तो ये टूल का डाया पे डिपेंड करती है। ठीक है, और टर्निंग की अगर मैं बात करूं सीएनसी टर्निंग की, तो ये जो आपके पार्ट के डाया पे डिपेंड करती है, जितना पार्ट का डाया ज़्यादा होगा उतनी फीड आपको कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, जितना पार्ट का डाया कम होगा उतनी फीड रेट आप ज़्यादा रख सकते हो। टूल के डाया की सेम कंडीशन है, अगर टूल का डाया ज़्यादा है तो आप फीड रेट जो है कम रखोगे, टूल का डाया कम है तो फीड रेट आप ज़्यादा रख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर हैं, इनके अलावा और भी बहुत से फैक्टर हैं जिन पे फीड रेट आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये था हमारा फीड रेट का। आगे बात करते हैं फीड रेट की। ठीक, तो आगे जब मैं बात करूँ फीड रेट की, तो आपका आता है एसेलरेशन और डीएसेलरेशन। डीएसेलरेशन ऑफ फीड रेट, ठीक है, एसेलरेशन और डीएसेलरेशन की जब मैं बात करता हूँ, तो आप नॉर्मली आपने जब देखा हो, तो जब भी हम बाइक चलाते हैं, तो ऐसा है नहीं कि आपने एक बार में जो है
80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो मेंटेन कर ली, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको पिकअप लेना पड़ता है, 0 से स्टार्ट होती है आपकी जो स्पीड है, ठीक है। तो सेम कंडीशन आपकी मशीन के लिए, अब आपने मान लो F150 प्रोग्राम कर दिया, F150 तो आपने प्रोग्राम कर दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है कि आपकी जो मशीन है वो 0 से ही स्टार्ट होगी। 0 से स्टार्ट होते होते धीरे धीरे 150 की स्पीड तक पहुंचेगी, 150 की फीड तक पहुंचेगी। उसके बाद जहां आपको रोकना होगा, जहां आपको फीड रेट जो है चेंज करनी होगी या डायरेक्शन चेंज करना होगा टूल का, मोशन का, तो आपकी फीड रेट जो है उस एक्सिस के लिए पहले कम होगी, फिर अगली एक्सिस में चालू होगी, ठीक है। तो इसी को एसिलेशन और डीएसिलेशन बोला जाता है। अब मैं बात करता हूँ मशीन में एसिलेशन और डीएसिलेशन से क्या मतलब है। तो नॉर्मली जब आपकी स्पिंडल की, सॉरी, आपकी जो फीड है, नॉर्मली जब आप प्रोग्राम करते हो तो कम फीड रेट की कंडीशन में क्या होता है, कम फीड रेट की कंडीशन में आपकी फीड रेट जो है कंट्रोल्ड रहती है। एसिलेशन डीएसिलेशन एक नॉर्मल वे में होता है। वही फीड जब आप ज़्यादा रखते हो कटिंग की कंडीशन में, ठीक है, तो होता क्या है, आपका टूल जो है, ये मान लो आपका पार्ट है, ठीक, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो टूल के मोशन को, ठीक। तो हाई फीड रेट की कंडीशन में क्या होता है, आपका जो है टूल जो है वो ओवरशूट की कंडीशन को क्रिएट कर देता है। यहाँ पे एक जो है वेज टाइप का छोड़ जाता है। कहने का मतलब, यहाँ पे जब वो अपने एंड पोजीशन पे पहुँचता है तो आपकी मशीन की जो फीड रेट है हाई स्पीड हाई फीड की कंडीशन में कंट्रोल नहीं रहती, वो थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन उसमें हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ओवरशूट बन जाता है, ठीक है। तो हाई फीड रेट की कंडीशन में आपकी फीड को कंट्रोल करने के लिए फानुक में G09 कोड यूज़ किया जाता है, जिसको आप एग्जैक्ट स्टॉप कमांड बोलते हो। कहने का मतलब, एसिलेशन और डीएसिलेशन G09 को जब आप प्रोग्राम करते हो तो वे कंट्रोल्ड वे में चलते हैं, ठीक है। तो G09 की कंडीशन में क्या होता है, आपका जो फीड है वो एक कंट्रोल्ड वे में चलती है। यहाँ से आपने स्टार्ट किया फीड को, यहाँ से कंट्रोल्ड होते होते जहाँ आपका लास्ट पॉइंट है वहाँ तक कंट्रोल, मतलब वहां तक पहुंचने से पहले ही मशीन जो है उसको कंट्रोल कर लेगी, और जो है एग्जैक्ट जिस लोकेशन पे उसको रुकना है वहां रुकेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो आपका ओवरशूट बन रहा था जिसको आप बेज भी बोलते हो, तो ये बनने के चांसेस जो है खत्म हो जाते हैं, ठीक। ये आपका नॉन मॉडल कोड है, जो कि आपको जिस ब्लॉक में आपको इसकी जरूरत है उसी ब्लॉक में आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हर ब्लॉक में जरूरत है तो आपको हर ब्लॉक में इसको प्रोग्राम करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका G09 एग्जैक्ट स्टॉप मोड होता है। इसको सो नॉर्मली प्रोग्राम करने के लिए, मान लो मैंने ये 150 का पार्ट लिया, 150x100 का, ठीक है। यहाँ मेरा कोई प्रोग्राम नंबर 10 10, ठीक है, ये कोई प्रोग्राम बन रहा है, ये ऑफसेट आपका यहाँ पे 54 नंबर, ठीक है, G00 G90 G54 आपने लिखा। हम केवल अभी इसमें एरर होंगी, लेकिन मैं अभी ये आप केवल इसको फीड रेट के नज़रिए में देखना, X0 Y0 किया, ठीक, उसके साथ S2000 दिया, M03, ठीक है, ये आपका पहला ब्लॉक। अब यहाँ से आपने फीड रेट जो है कंट्रोल करना चालू किया G01, ठीक है। यहाँ से आपको फीड रेट कंट्रोल करनी है इस पोजीशन के लिए, तो आप G09 यहाँ लगा दो, G01 लिखा आपने, एक्स की पोजीशन 0, वाई की आपने पोजीशन डाल दी 150, ठीक है, आपने यहाँ पे फीड डाल दी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको ये वाली जब आप एज कंट्रोल करोगे तो पहली कंट्रोलिंग आपकी यहाँ होगी, दूसरी कंट्रोलिंग आपकी यहाँ होगी। कहने का मतलब, इस कॉर्नर को जब आपको कंट्रोल करना है तो ये दो फीड रेट आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी। तो ये जो ब्लॉक है इसमें भी आप G09 प्रोग्राम करोगे, और ये जो ब्लॉक है इसमें भी आप G09 प्रोग्राम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने G09 प्रोग्राम किया, उसके बाद G01 में आप चली रहे हो, एक्स की पोजीशन डाली आपने 100, वाई तो 150 ही है, ठीक है। आगे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ से फिर आप जो है X100 पे आए, Y0 पे आए, उसके बाद जो है आप यहाँ आ गए, X0 पे आ गए, Y0 पे आ गए, ठीक है। तो
इस तरीके से आप जो है G09 को प्रोग्राम करते हो। ठीक, तो आपका नॉन मॉडल कोड है, आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा जहां भी आपको इसकी जरूरत है। सेम आपका G61 कोड है, डिफरेंस केवल एक इतना है, ये आपका एग्जैक्ट स्टॉप मोड है। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट स्टॉप मोड है, आपको इसको एक बार प्रोग्राम करना है, और फिर उसके बाद जो है आपको एट लास्ट G63 या G64 या G62 से इसको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो ये आपका मॉडल कमांड है। वर्किंग इसका ये कि सेम है जैसा G09 का वर्किंग है, वैसे ही इसका G61 का वर्किंग है, केवल डिफरेंस इसका है कि ये नॉन मॉडल कोड है, ये जो आपका मॉडल कोड है। ठीक है, बाकी ये दोनों जो हैं केवल लीनियर फीड रेट को कंट्रोल करते हैं। अगर मैं सर्कुलर फीड रेट की बात करूं, सर्कुलर फीड रेट को कंट्रोल करने के लिए आपको G62 यूज करना पड़ता है। जब आप G02 और G03 में हाई फीड रेट के साथ काम कर रहे हो, तो आपको जो है कंट्रोल करने के लिए G62 को यूज करना पड़ेगा। नॉर्मली जैसे वो प्रोग्राम किए गए थे, ऐसे ही सेम वे में ये भी प्रोग्राम किए जाएंगे। ठीक है, और ये जो है आपका G61, G63 और G64, इनसे कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्लियर है लॉजिक कि G61 और G09 आपका लीनियर फीड रेट को कंट्रोल करते हैं, और G02 और G03 की जो फीड रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको G62 यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर कटिंग फीड रेट कंट्रोल के लिए काम आता है। ठीक है, वहीं अब मैं G63 की बात करता हूँ, तो ये टेपिंग मोड कहलाता है। ठीक, टेपिंग मोड का मतलब जब आप G63 को प्रोग्राम करते हो, ठीक है, तो होता क्या है, आपके दो स्विच होते हैं फीड के लिए, एक फीड होल्ड का बटन होता है, एक होता है फीड रेट ओवरराइड का स्विच होता है। तो जब आप G63 को प्रोग्राम करते हो, तो ये दोनों जो आपके ऑपरेशन पैनल पे जो मैनुअल कंट्रोलिंग फीड रेट की मैनुअल कंट्रोलिंग के लिए जो ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, वो आपके वर्क नहीं करते। ठीक है, तो G63 आपने प्रोग्राम किया, एट लास्ट G61 से ये कैंसिल हो जाता है, G62 से कैंसिल हो जाता है, G64 से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, जहां आपने G63 प्रोग्राम किया, उसके बाद आप जहां तक उसको यूज करना चाह रहे हो और एट लास्ट जहां तक आप कैंसिल कर रहे हो, तो इस बीच जो है आपके फीड होल्ड का बटन काम नहीं करेगा और फीड रेट ओवरराइड का बटन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये G63 का सिंपल सा लॉजिक है। और एट लास्ट G64 की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका नॉर्मल कटिंग मोड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी मशीन जो है नॉर्मल वर्किंग में आ जाती है। नॉर्मल वर्किंग मतलब जैसे डीएसिलेशन और एसिलेशन पहले हो रहा होगा बाय डिफॉल्ट, सेम उस कंडीशन में आपकी मशीन को लेके आती है ये जो जी कोड है आपका। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फीड होल्ड की। और जैसा मैंने बताया, मैनुअल फीड रेट की कंट्रोलिंग के लिए ऑपरेशन पैनल पे आपको दो चीज प्रोवाइड की जाती है, एक फीड होल्ड बटन होता है, दूसरा फीड रेट ओवरराइड नॉब होती है। ठीक है, जो जनरली आपको इस तरीके से बनी हुई मिल जाएगी आपके ऑपरेशन पैनल पर। ठीक है, और ये आपका एक बटन होगा रेड कलर का, ये तो ये जो दो ऑपरेशन पैनल पे आपके चीजें प्रोवाइड की रखी की जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी फीड रेट को कंट्रोल मैनुअल फीड रेट कंट्रोलिंग के लिए होती हैं। जब आप फीड होल्ड का बटन दबाते हो, तो आपकी फीड F0 वाली कंडीशन बन जाती है। F0 की कंडीशन का मतलब आपकी फीड रेट जीरो है, मशीन आपकी जहाँ है वहीं खड़ी हो जाएगी अगर आपने इस बटन को प्रेस किया। कहने का मतलब आपकी मशीन जो है एक तरह से ड्वेल की कंडीशन को एक्वायर कर लेगी। आपका स्पिंडल अगर रोटेट हो रहा है वो होता रहेगा, मशीन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी अदर जो फंक्शन है वो भी काम करते रहेंगे, केवल आपकी जो मोशन है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, वहीं फीड रेट ओवरराइड नॉब की अगर बात करूँ, तो इसमें मार्किंग की हुई रहती है 100, 200, 0,
ठीक है, और भी मार्किंग होती है यहाँ 50, 150। तो इससे क्या होता है, आप फीड रेट को कंट्रोल करते हो मैनुअली परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहाँ आपने 100 पे इसको सेट किया तो आपने जो फीड मान लो 150 की प्रोग्राम कर रखी है तो 150 पे चलेगी। यहाँ आपने अगर ये नॉब घुमा के 50 पे कर दिया तो आपकी ये F75 के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, यहाँ आपने अगर 150 कर दिया तो ये जो है 225 फीड रेट के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, तो ये आपकी फीड रेट ओवरराइड स्विच है जिसके थ्रू आप जो है फीड को कंट्रोल करते हो मैनुअली। ठीक, अब इन चीजों की अगर मैं बात करूँ फीड होल्ड की और फीड रेट ओवरराइड की, तो इनके लिए एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप जब टेपिंग मोड में होते हो, टेपिंग मोड का मतलब जब आप G74 के साथ काम कर रहे हो और G84 के साथ काम कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ये दोनों स्विच आपके काम नहीं करते। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी अगर मैं बात करूँ थ्रेडिंग साइकिल जो होती है, थ्रेडिंग साइकिल जो होती है आपकी, थ्रेडिंग साइकिल कौन कौन सी है, G32 हो गया, G92 हो गया, ठीक है, और आपका G76 हो गया। ये जो थ्रेडिंग साइकिल है इन साइकिलों में भी आपकी ये दोनों वर्क नहीं करती। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर है फीड होल्ड किस लिए यूज होता है, फीड रेट ओवरराइड नॉब किस लिए यूज होती है। अब फीड रेट ओवरराइड दो तरह की होती है, एक रैपिड फीड रेट को कंट्रोल करने के लिए होती है, इस टाइप का जो सिंबल होता है आपका ये रैपिड फीड रेट के लिए, ये जो सिंबल है आपका जो नॉर्मल फीड रेट जो आप प्रोग्राम कर रखे हो उसके लिए। ठीक है, फीड रेट कंट्रोलिंग के लिए दो ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं आपके, एक रैपिड फीड को कंट्रोल करता है नॉब, एक जो है आपका जो आपने प्रोग्राम फीड रेट कर रखा है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है, आगे बात करते हैं फिर हम इसमें। आगे बात करूं दो फंक्शन, जैसे G63 था और G64 से नॉर्मल हो जाती है आपकी मशीन, ऐसे ही दो फंक्शन होते हैं M49 और M48। एम फंक्शन ये जरूरी नहीं सभी मशीनों में अवेलेबल हो। तो जैसा G63 का काम है सेम वर्क है M49 का। M49 क्या करता है, आपके फीड होल्ड बटन को और फीड रेट ओवरराइड स्विच को कैंसिल आउट कर देता है। कैंसिल आउट करने का मतलब आपका ये जो है वर्किंग में नहीं रहते, आप जो है इन दोनों को यूज में नहीं ले सकते। वहीं M48 की बात करूं तो इन दोनों को ये एक्टिव कर देता है। एक्टिव करने का मतलब आप जो है इनको यूज कर सकते हो, इनसे आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने M49 प्रोग्राम किया है उस प्रोग्राम में, मान लो आपने M49 यहाँ प्रोग्राम किया, उसके बाद आपने प्रोग्रामिंग बनाई, उसके बाद M48 यहाँ डाल दिया, तो इस बीच जो है आपकी ये जो फीड रेट ओवरराइड और फीड होल्ड की जो मैनुअल कंट्रोलिंग के ऑप्शन है आपके, ये वर्क नहीं करेंगे। कहने का मतलब इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और M48 के बाद जो है ये नॉर्मल वर्किंग में आ जाएंगे, ये जो है वापस एक्टिव हो जाएंगे, वर्क करने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका फीड रेट का फंक्शन था। अब इसी में मैं बात करता हूँ ब्लॉक स्किप फंक्शन की, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्लॉक स्किप फंक्शन क्या होता है, आपने जब भी नॉर्मली प्रोग्राम में देखा होगा तो ये फॉरवर्ड स्लैश आपका लगा हुआ होता है प्रोग्राम में। तो इसका यूज क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो फॉरवर्ड स्लैश आपके प्रोग्राम में किया हुआ होता है, दूसरा होता है आपका ब्लॉक स्किप फंक्शन का बटन प्रोवाइड होता है आपके ऑपरेशन पैनल पे। ठीक है, जिसको आप ब्लॉक डिलीट फंक्शन भी बोलते हो। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए आपको पहला तो इसको ऑन करके रखना होगा अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो। अब ये काम कैसे करता है पहले उसको समझते हैं। ब्लॉक स्किप का फंक्शन का मतलब होता है कि आपका जो भी ब्लॉक है, जिस ब्लॉक के आगे आपका फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, उस ब्लॉक को अगर आपका ये बटन ऑन हो रखा है तो मशीन उस ब्लॉक को स्किप कर देगी। मशीन केवल उस ब्लॉक को रीड करेगी लेकिन उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी। ठीक है, कहने का मतलब उस ब्लॉक को मशीन इग्नोर कर देगी जहां जहां आपका फॉरवर्ड स्लैश प्रोग्राम में लगा हुआ है। ठीक है, तो ब्लॉक स्किप फंक्शन का बेनिफिट क्या है, ब्लॉक स्किप फंक्शन कुछ नहीं, आपको एक मेथड प्रोवाइड कराता है कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, कंट्रोलिंग के मेथड का मतलब
आपके पास कोई दो ऑप्शन है जिनमें से आपको एक चूज करना है। ठीक, थोड़ा मैं इस चीज को पलट लेता हूँ। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी। ठीक है, इनमें से किसी एक को आपको चूज करना है। तो ये ऑप्शन जो है आप जो है ब्लॉक इसके फंक्शन के थ्रू बेनिफिशियली यूज कर सकते हो। यूज करने का मतलब अगर मैं इसको एग्जांपल से समझूं, मान लो आपका ये कोई ब्लॉक है, इसमें आपके दो मॉडल हैं, एक ए मॉडल है एक बी मॉडल है, डायमेंशन बाकी सब है, केवल डिफरेंस है इस सेंटर होल का। ठीक है, ये इसको मैं नंबर देता हूँ एक। एक नंबर जो होल है वो ए मॉडल में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, तो ब्लॉक इसके फंक्शन को इस चीज़ के लिए मैं इस तरीके से यूज़ करूँगा कि मैंने इसके लिए प्रोग्राम बनाया, मॉडल ए के लिए मैंने प्रोग्राम बनाया, और उसी प्रोग्राम को जब मैं मॉडल बी के लिए यूज़ करना चाहूँगा तो मेरे को कुछ नहीं करना, इस वाले जो होल है इसकी जो प्रोग्राम बना जिस ब्लॉक में इसके लिए प्रोग्राम कर रखा है उसके आगे मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा। ठीक, और मैं जो है ब्लॉक डिलीट फंक्शन का जो बटन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, सिंबल बना हुआ होता है, उसको जब आप ऑन करोगे तो और जब प्रोग्राम को रन करोगे तो आपकी मशीन क्या करेगी, इस ब्लॉक की जो प्रोग्रामिंग है उसको मशीन आपकी इग्नोर कर देगी। कहने का मतलब जब आप इसको ऑफ करके चलोगे तो आपको मॉडल ए के अकॉर्डिंग मशीन वर्क करेगी, जब आप ब्लॉक इसके फंक्शन को ऑन करके चलोगे तब आपकी जो है बी के अकॉर्डिंग मशीन आपकी वर्क करेगी। तो इस तरीके से आप जो है ब्लॉक इसके फंक्शन को आप बेनिफिशियली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।